I am stating at the camera in front of you that come what may, if it's a civil trial, it's a criminal trial. Burden of proof never shifts. अब बहुत सारे लोग इस पे आर्गुमेंट करेंगे कि सर वो जनरल डिफेंसेस हैं नेब के केसेस हैं सीएनएसए के केसेस हैं और उसके बाद दीवानी के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता तो है, बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट्स अस्सलाम एवरीवन मैं हूं विशाल चक्र और आज हम बात करेंगे अन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड येट एट द सेम टाइम द फंडामेंटल सब्जेक्ट फॉर ट्रायल लिटिगेंसी दैट इज कानून शहादत ऑर्डर सलामैम सर वाले सर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं पहले इरादा तो नहीं था हमारा इसको रिकॉर्ड करने का बट इतने कमेंट्स आए और हर दूसरा प्रैक्टिसिंग लॉयर जो कि सीरियस है इस प्रोफेशन में दे वॉन्टेड यू टू मेक सम वीडियो सेशन ऑन कानून ऑर्डर सो आई टू हैव डिस्कशन विद यू कि किस तरीके से हम इस सीरीज को लेकर चलेंगे क्या होगा द दोर सर अच्छा विशाल सिंस आपने खुद ही मैंशन किया कि है कि बहुत सारे कॉमेंट्स आए हैं और ये काफ़ी देर से कॉमेंट्स आ रहे थे उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं बड़े अरसे से इस आर्ग्यूमेंट को एडवोकेट करता फिर रहा हूं कि कानून शहादत इज द मोस्ट इग्नोर्ड सब्जेक्ट और अगर आप सोशल मीडिया इंक्लूड्स यूट्यूब डिफरेंट टीचर्स और इन सब को देखें आप किताबें ढूंढने की कोशिश करें तो आपको कोई सबस्टेंटिव चीज नहीं मिलेगी इसके ऊपर जिसने रॉक सॉलिड काम किया और मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि हम कोई रॉक सॉलिड काम करेंगे बट मैंने जब उन सारी रिसर्च के दौरान उन सारी चीजों को देखा है तो हमने इसको इस तरह डिवाइस किया है कि हम वीकली एक लेक्चर क्यू एस ओ के ऊपर डेफिनेटली जो है वो अपलोड किया करें अच्छा वो ऐसा नहीं होगा कि मैं आया आपके सामने एक वीडियो बनाई और इन्फॉर्म कर दिया जी कन्फेशन क्या है एडविजिलिटी क्या है रेलिवेंस क्या है फैक्ट एंड इशू क्या है हम इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके चलेंगे अच्छा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर जाने का मतलब ये के पूरे के पूरे क्यूएसओ की डायसेक्शन करेंगे डिफरेंट जो कि अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा द मोस्ट फंडामेंटल थिंग वी आर गोइंग टू डू इज चार पांच लोग और तकरीबन तीन जू और केस लॉज फ्रॉम टू जूरिस्ट्रिक्शन इनफैक्ट तीन चार जू रिस्ट्रिक्शन है जिसके ऊपर हम काम करेंगे फॉर एग्जाम्पल इस लेक्चर सीरीज को डिवाइस करने के लिए हमने रतनलाल धीरजलाल को पढ़ा हमने जस्टिस फजल करीम साहब को पढ़ा हमने बेंथम को पढ़ा हमने विगमोर को पढ़ा और इन चारों के बाय प्रोडक्ट जो उस टॉपिक पे बनती है वो हम आपके सामने लेके आएंगे टॉपिक टू टॉपिक वाइज और मैंने आपको कहा लेजिस्लेशन के अंदर हम ओल्ड इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 से लेके 1984 का जो आपका कानून शहादत ऑर्डर है ये प्लस इंडिया के अंदर जो अभी रीसेंट लॉ आया है उनका कानून शहादत के ऊपर जो उन्होंने नाम वगैरह चेंज किए और वगैरह चेंज किए उसको साथ लेके चलेंगे प्लस हम केस लॉस फ्रॉम अमेरिकन जूरिस्टिक्शन लेके चलेंगे क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है अभी आपने कहा कि ट्रायल एडवासी यानी मैं इसको ये कहूंगा सिर्फ ट्रायल एडवासी नहीं आपकी एपलिट लिटिगेशन जितनी भी और बिलखसूस मेरी चूंकि प्रैक्टिस क्रिमिनल लॉ पे है तो उस वजह से जो क्रिमिनल लॉ की एपलेट प्रोसीडिंग है जिसमें आपका मर्डर रेफरेंस है मर्डर अपील है उसके बाद क्रिमिनल रिविजन हैं जितनी भी प्रोसीडिंग्स लेवल पे अगर आपकी कानून शहादत पे अच्छी ग्रिप नहीं है ट्रस्ट मी यू विल फेल एट दी एपलेट लेवल ट्रायल तो आप सर्वाइव कर ही नहीं ना सकते अगर आपको कानून शहादत को आ, एक आर्टिकल जो कि पॉइंट इन टाइम पर रेलेवेंट है और उसका कोरस्पॉन्डिंग आर्टिकल क्या कह रहा है अगर उसका आपको सेंस नहीं है तो वो आप नहीं कर सकते अच्छा एक और चीज हम इस तरह ये करेंगे कि फर्ज करें अगर मैं आपको एग्जामिनेशन चीफ बता रहा हूं तो मैं आपको केस जो प्रॉपर एक्चुअल कोर्ट में एग्जिस्ट करता होगा उसकी एक एग्जाम्पल दूंगा कि देखें जी इस केस के अंदर एग्जामिनेशन चीफ प्रोसिक्यूटर ने या कंप्लेनेंट काउंसिल ने किस तरह करवाया ताकि स्टूडेंट्स के साथ साथ जो प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं उनकी रेलिवेंस बनी रहे बनी और उसके अलावा अगर क्रॉस एग्जामिनेशन है कि अगर इस लॉयर ने ये क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ये सवाल पूछा है तो क्रॉस एग्जामिनेशन का रेलिवेंट लॉ कौन सा है क्रॉस एग्जामिनेशन को रेलिवेंट केस लॉ कौन सा डील करता है और क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर ये जो सवाल पूछा गया इसका मकसद क्या था अच्छा इसको हम बहुत प्रिसाइज रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर इस पर बोलना शुरू करें तो घंटे तो बहुत छोटी चीज है वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन अबाउट दिस हम इस इन वीडियोस को प्रिसाइज रखेंगे ये ताकि टू द पॉइंट रहे और रेलेवेंस बरकरार रहे सो so, इस तरह हम इसको लेके चलेंगे सर इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली यू हैव वेरी क्लोजली वर्क हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस फजल करीम साहब ऑन द सब्जेक्ट सो आई बिलीव के उनकी अंडरस्टैंडिंग को भी लेके आप इस चीज के अंदर लेकर आएंगे दैट हाउ ही द द आईडिया ऑफ नहीं मैंने फजल करीम साहब के साथ नॉट पर से उनके साथ काम नहीं किया मैं उनका मद्दा हूं मैंने उनको पढ़ा बहुत है उनकी जितनी भी किताबें हैं वो कोई भी यू जस्ट नेम इट और मैंने वो पढ़ी है और इस यहाँ पे बिलखसूस मैं आपको बताऊंगा हमारी इस लेक्चर सीरीज को बनाने में जो सबसे ज्यादा रिसर्च बेस्ड काम जिसने हेल्प दिया है वो लम्स लॉ स्कूल जो शेख अहमद हसन लॉ स्कूल है उनके अंदर जो फजल करीम साहब ने लॉ ऑफ एविडेंस का मॉड्यूल पैक बना के दिया हुआ है हमने उससे बहुत हेल्प ली है और हेल्प क्या लिया इनफैक्ट उसी को रेप्लिकेट हम लोग कर रहे हैं क्योंकि जो रिसर्च उन्होंने कर छोड़ी है आपके अमेरिकन के केस लॉज के ऊपर ब्रिटिश केसेस के ऊपर इंडियन केसेस के ऊपर वो मेरा नहीं ख्याल कि सम बडी इन अ लिविंग टाइम कैन डू इट जो जस्टिस फजल करीम साहब कर चुके हैं सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स प्लस देन आई हैड द दर्चुनिटी ऑफ वर्किंग अब्रॉड एज वेल तो वहाँ पे जो बेंथम के प्रिंसिपल्स हैं फिप्सन है बहुत सारी किताबें जिनको कंसल्ट करते हुए हमने इन पूरे लेक्चर्स को

इन फैक्ट इन रियलिटी द वन द्यूर्स एडमिसिबिलिटी भी देखनी है रेलिवेंस भी देखनी है yes, तो yes. ये चीज़ें उनके लिए भी अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरीके से क्या चीजें आपका वकील अगर कुछ मांग रहे हैं या कुछ पेश नहीं कर पा रहे हैं अदालत एक्सेप्ट नहीं कर रही तो देर इज अ रीजन बिहाइंड विशाल मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊँ लेट मी क्लियर एट एट दी फ्रंट और वो ये सेंस माई प्रैक्टिस प्योरली ऑन क्रिमिनल लॉ

एक सेट मैकेनिज्म है जिसके तहत क्रिमिनल जो ट्रायल है वो प्रोसीड करता है और उसके अंदर वो यही है कि 173 के साथ एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगती है जो कि प्रोसिक्यूशन ने कंप्लेनेंट ने और पुलिस ने कंपाइल करके अंडर वन 173 अदालत के अंदर सबमिट करनी होती है वो डॉक्यूमेंट्स होती हैं यस यूर राइट कि देर आर सम डॉक्यूमेंट्स जो आपको आपका क्लाइंट ला के देता है तो उसको भी एक मैकेनिज्म है सफाई मिसल के ऊपर लाने के लिए रिकॉर्ड पे लाने के लिए वो उसको हम डील करेंगे लेटर ऑन बट जो एविडेंस अदालत के अंदर प्रेजेंट की जाती है थ्रू प्रोसिक्यूशन हमारा डोमेन और हमारा टारगेटेड एंगल विद रेफरेंस टू क्यूएसओ एस ओ वही रहे वट वुड बी योर प्राइम गोल फॉर दिस लेक्चर सीरीज इफ आई मे आस एंड वट वी आर ट्राइंग टू अचीव है टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप क्यू एस ओ की बात करें ना क्यू एस ओट इज इट लुक्स वेरी सिंपल सो कॉम्प्लेक्स सो कॉम्प्लेक्स के ये इसके बारे में आई वोट बी रॉन्ग इफ आई से कानून शहादत के जो है ना इट पोजेस अ कैरेक्टर ऑफ कैमिलियन इट चेंजेस इट कलर अकॉर्डिंग टू दू नो केस हाउ इट पोज इज इट सेल्फ टूवर्ड्स द सो so, उसके मुताबिक जब आप देखते हैं इसको तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं शेख इम्तियाज साहब जिनसे हमने लॉ स्कूल के अंदर पढ़ा वो कहा करते थे कि यार एक आर्टिकल को मैंने आज पढ़ लिया ना इसको दस दिन बाद पढ़ूंगा इट गिवस डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एक महीने बाद पढ़ूंगा इट गिवस मी अ डिफरेंट इंटरप्रिटेशन सो एनी लॉयर हु प्रैक्टिस वेदर एट सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ एक जो किताब जिसके साथ आपने हमेशा कनेक्टेड रहना है दैट इज कानून शहादत इसीलिए तो कहा जाता है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के अंदर जो लॉ ऑफ़ एविडेंस है एविडेंस hmm. आएगी कैसे कौन पहले एविडेंस लेके आएगा उसके बाद थ्री फोर्टी टू क्या होगा थ्री फोर्टी क्या होगा बट हाउ टू रिकॉर्ड एग्जामिनेशन चीफ इज समथिंग विच यू विल फाइंड फ्रम दूसओ हाउ टू डू क्रॉस एग्जामिनेशन यू विल फाइंड So, शहादत का एक बड़ा जबरदस्त है और ये जब हम लेक्टेज पे आएंगे तो यू विल गेट टू है कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू दैट कम वे इफ इट्स ट्रायल इट्स ट्रायल बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट अब बहुत सारे लोग इस पे आर्ग्यूमेंट करेंगे कि सर वो जनरल डिफेंसिस हैं नैब के केसेस हैं yeah. सीएनएसए के केसेस हैं और उसके बाद दीवानी के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट तो बर्डन ऑफ प्रूफ नेवर शिफ्ट द मेजोरिटी ऑफ द राइटर्स इन पाकिस्तान कन्फ्यूज ओनर्स विद द बर्डन ऑफ प्रूफ सो इट्स अ डिटेल साइंस वो हम जब आएंगे तब उसके अंदर देखेंगे इसी yes. तरह जिस तरह मैं कहता हूं कि जो आपका ये क्रॉस कन्फेशन है आपका कन्फेशन है उसमें हम वेरी क्लियर अबाउट इट कि कन्फेशन जो जुडिशियल कन्फेशन है वो आपका जो Or है सिर्फ ट्रायल कोर्ट के yes. सामने है 164 नहीं, नहीं इसमें हम ऑलरेडी एक लेक्चर चुक कर चुके हैं ऑलरेडी सो वील नॉट गो टू दैट सो इसी तरह एडमिजिबिलिटी क्या है Uh, उसके बाद रेलिवेंस क्या है अप्रेजल ऑफ एविडेंस क्या है क्या है। ये ऐसे ट्रस्ट yes. yes. में पाकिस्तानी आपको मिल जाएंगे लेकिन एक कंपाइल्ड किताब नहीं है और मेरा अपना ये मानना ये बन चुका हुआ है कि इट्स विजुअल लर्निंग का yes. दौर है तो विजुअल लर्निंग के अंदर वी इट माइट बेनिफिट मेनी ऑफ द एज अ मैटर ऑफ रेक Uh, सबसे सब ज्यादा अच्छ्रोल इस दफ्तर में क्यूएसओ पे ही होती है तो ये सीरीज पब्लिक के साथ हम भी देखेंगे तो सर बिफोर वाइंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक यू टू टेल द फ्रेम फ्रेमवर्क इस वीडियो का इन सीरीज का ये होगा कि हम वीकली एक लेक्चर दिया करते मैंने अपनी कन्वीनियंस और अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक द वे आई सी क्यू एस ओ को कुछ हिस्सों में डायसेक्ट किया और ये डायसेक्शन मैंने इस तरह की है जो आपके कंपेटिटिव एग्जाम में भी रेलिवेंट होगी जिसमें आपके ए डी पी पी के एग्जाम्स हैं आपके जुडिशरी के एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी आपके लिए रेलिवेंट होगी प्लस आपके लॉ स्कूल को पास करने के अंदर भी आपको फायदा मंदेगी hmm. और चौथा जब आप प्रैक्टिस के अंदर होंगे उसके अंदर भी आपको फायदा मंदिर तो फर्स्ट लेक्चर आफ्टर ईद विच वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड विद रेफरेंस टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ

उसके बाद क्या कहते हैं इस तरह की चीज़ें जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उनके बर्डन ऑफ प्रूफ क्या चीज़ है इनके ऊपर हम एक बकायदा शॉर्ट लेक्चर करेंगे ताकि विद इन अ स्पैन ऑफ मिनट आपको एक स्पर ऑफ मोमेंट समझ आ जाए कि यस ये स्टॉपल है ये एडमिशन है ये कन्फेशन है ये बर्डन ऑफ प्रूफ है सपोर्टेड बाय द केस लॉज और जब मैं केस लॉज की बात करूंगा तो मैं बिलखसूस अपने आप को कन्फाइन रखूंगा सिक्सटीज सेवेंटीज एटीज नाइन्टीज केसेस के ऊपर क्योंकि जो अच्छी फौजदारी वकालत करते हैं कभी आप उनके साथ बैठे हैं तो वो आपको बताते हैं कि जितना लॉ ऑफ एविडेंस के ऊपर लॉ इन इन इस इरा के अंदर डेवलप हुआ लेटर ऑन उतना अच्छा डेवलप नहीं हुआ सो दे आर द बेस्ट जजमेंट्स टू अंडरस्टैंड एटीजल साहब की जजमेंट्स हैं उसके बाद क्या कहते हैं और बहुत सारे जजेस हैं जिनकी जजमेंट्स पढ़ने से ताल्लुक तो उन जजमेंट्स को वो हम दे दे। इन के वो क्या हैं। so, वो हम इसके ऊपर लिखा हुआ दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिमिनल एविडेंस उसका एक फ्लेवर आपको दे देता हूं वो क्या है अक्सर आपने अंग्रेजी मूवीज में देखा होगा कि जब किसी बंदे को अरेस्ट करते हैं तो उसे कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट यू हैव अ राइट टू रिमेन साइलेंट जो yes. आपको पता ही है और इफ यू से और डू एनी थिंग दैट विल बी प्रेजेंटेड इन एविडेंस अगेंस्ट यू यू हैव अ राइट टू काउंसल एंड यू विल बी प्रोवाइडेड एट द ड्यू टाइम सो इस वजह से हर वो एविडेंस यूएस में बड़ा स्टैब्लिश हैरिंग वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स केस है उसके बाद एक और केस था जो इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है जो बताता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सक्लूजनरी रूल कि हर वो एविडेंस हर वो एविडेंस जो कानून को बाईपास करके कलेक्ट की जाएगी दैट विल बी एक्सक्लूडेड दैट विल नॉट बी टर्म डीम्ड एज एविडेंस और वहीं पे एडमिसिबिलिटी का जो स्ट्राइक है वो आके उसके ऊपर लगती है, है। जिसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं सीआरपीसी का सेक्शन 103 है जो कहता है जब भी आपने रिकवरी मेमो बनाना टू इंडिपेंडेंट्स एविडेंस होनी चाहिए अमेरिका में कैसे ये एक्सक्लूजनरी रूल बाइपास हुआ और कब हुआ पाकिस्तान में कब कैसे ये बाईपास हुआ सो दू लेक्चर रिगार्डिंग द एक्सक्लूजनरी रूल और तीसरा हमारा लेक्चर होगा स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू बर्डन ऑफ प्रूफ बर्डन क्या चीज है प्रूफ क्या चीज है उसके बाद क्या बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट होता है कि नहीं होता अगर होता है तो क्या शिफ्ट होता है और किन सिनेरियोज में शिफ्ट होता है सपोर्टेड बाय केस लॉस लोकल एंड फॉर फिर हमारा जो उसके बाद लेक्चर होगा वो हमारा होगा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस यानी एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है रेलिवेंट लॉ कौन सा डील करता है सीआरपीसी का और क्यू कानून शहादत का क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है और इसके अंदर दो टेक्निक्स मैं नई लेके आऊंगा एक के ऊपर ऑलरेडी मैं बता चुका हूं लोडेड क्वेश्चन वाली और प्रोसिक्यूटर्स के लिए कंप्लेनेंट काउंसिल के लिए अमेरिकन टेक्निक टेक्निक है है यंगर की है, पिगी बैकिंग क्वेश्चन कैसे अपने गवाह के फंडामेंटल सवालों को जवाबों को आप अपने सवालों में एंडोर्स करके वो पूछ सकते हैं so, वो टेक्निक आई विल बी टेलिंग यू और उसकी सपोर्ट आपको क्यूएसओ से भी मिलेगी सो इंडियन लॉ के अंदर भी आपको मिलेगी फिर उसके बाद अगर कोई विटनेस होस्टाइल हो जाए तो क्या होगा कोर्ट विटनेस का क्या कॉन्सेप्ट है सो दैट वॉज गोइंग टू बी आर फोर्थ लेक्चर फिर हम पांचवा एक लेक्चर करेंगे एविडेंस में और प्रूफ में क्या, क्या फर्क, फर्क है? क्या फर्क है वो एक चिराग के अंदर उन्होंने बताया ना कि प्रूफ मार्क्स इफेक्ट ऑफ एविडेंस कैसे कब किन सिनेरियो में किन सरकमस्टांसेस में सो वी आर गोइंग टू सी दैट इन लाइट ऑफ द केस लॉ फिर हमारा लेक्चर होगा इसके ऊपर क्रेडिबिलिटी ऑफ विटनेसेस की कि एक गवाह अदालत में कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी शहादत के दौरान बिल्ड करता है और डिफेंस ने कैसी उसको डिसक्रेडिट करना, करना, करना होता है जिसको कहा जाता है गेम थ्योरी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द गेम थ्योरी ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन कि आपके पास कानून शहादत में सीआरपीसी में केस लॉज की रोशनी में कौन कौन से मैकेनिज्म अवेलेबल है कि आप गवाहों को डिसक्रेडिट कर सकते हैं क्योंकि आप अपना डिफेंस स्टैब्लिश ही उनको डिस्क्रेडिट करके करते हैं सो ऑल दो मैकेनिज्म डीलिंग द क्रेडिबिलिटी डिस्क्रेडिट ऑफ द विटनेसेस। अच्छा फिर एक लेक्चर बिलखसूस हमने करना है जस्टिस मुनीर की वो जो जजमेंट सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम द चेफ हमने इसको कैटेगराइज किया एविडेंस इट एंड इट्स कैटेगरीज क्योंकि अगर जस्टिस मुनीर साहब की जजमेंट को देखा जाए तो उन्होंने कहा था होली रिलायबल होली अनरिलायबल पार्टली रिलायबल पार्टली अनरिलायबल और इसको आसिफ सईद खान खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जब जज बने तो उन्होंने खिज केस के अंदर कौन सा एक नया प्रिंसिपल

ज अगर आप इंग्लिश कॉन्सेप्ट देखे अमेरिकन कॉन्सेप्ट देते तो वो कहते हैं टूट जाए तो वो टंबल जरूर करता है लेकिन उसकी वैल्यू को देखा hmm. जाता है सो दीज आर दिंग्स विच विल बी डिस्कस के बाद हम एक लेक्चर करेंगे जिसको हमने डिजाइन इस तरह किया प्रोसिक्यूशन एविडेंस का प्रोसिक्यूशन hmm. एविडेंस के प्रोसिक्यूशन ने अपने गवाहों को किस तरह पेश करना है कौन-कौन से रिलेवेंट लॉज और केस लॉज हैं जिनकी रोशनी के अंदर उन्होंने एविडेंस को प्रेजेंट करना है डेमिनियर ऑफ विटनेस क्या होगा उसके बाद क्या कहते हैं उस गवाह का अगर वो हॉस्टाइल हो गया है तो वो उस सूरत हाल में प्रोसिक्यूटर क्या करेगा सो so, इस डिजाइन के ऊपर हमने अपने इस लेक्चर को डिजाइन किया फिर हमने एक लेक्चर अपना डिजाइन किया है डाइन जो एक्सेप्शंस टू हेयर से है जिसमें आपका डाइंग डेक्रेशन है, है।, so, है? डाइं इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर है या इंडिया के अंदर है जैसा पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर है सो वो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट रिगार्ड सो उसके ऊपर हमने पूरा एक डिटेल रिसर्च करके अपना एक लेक्चर डिजाइन किया सो so, इसी तरह हमने एक तकरीबन को दस बारह लेक्चर्स की एक सीरीज ही बनाई है जिसके ज्यादा जो इम्पैक्ट और इफेक्ट मिलेगा वो प्रैक्टिकल लॉयर्स को भी मिलेगा स्टूडेंट्स को भी मिलेगा और वो उसका हम सारों को भी बहुत फायदा होगा कि एक कंपाइल्ड शेप में वीडियो शेप में आपके पास एक वीडियो अवेलेबल है सो आफ्टर ईद हॉलीडेज इन शफजल खुदा हम इसके ऊपर बड़ा एक मैसिव रिसर्च करनी शुरू कर देंगे और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ तमाम के तमाम लेक्चर्स आर गोइंग टू बी सपोर्टेड बाई पावर पॉइंट सो so, जो आर्ग्यूमेंट जो पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो आपके पास पावर पॉइंट के अंदर भी अवेलेबल होगा उन्हीं वीडियोस के अंदर सो यू कैन डाउनलोड दो पिक्चर एंड कीप इट विद योर ओन बेनिफिट सो दैट्स हाउ आई हैव डिवाइज दिस सीरीज के वीकली हम क्रिमिनल लॉ पे तो कर रही थे अब हमने एक लेक्चर लाजमी क्यूएसओ के ऊपर कर थैंक यू सो मच थैंक यू